रेसलमेनिया 37 से रिलेटेड कुछ मेजर प्लान्स जिनके लिए WWE गाइस प्रिपेयर कर रही है। रोमन रेंस की रीसेंट इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि आखिर रॉक वर्सेस रोमन हो सकता है। इसके अलावा उन्होंने काफी सारी चीजों की और भी बात करी है। रॉ और NXT क्या आने वाले समय में एक मेजर इशू फेस कर सकते हैं गाइस अपने टाइम स्लॉट के रिलेटेड, और AJ स्टाइल्स कितने क्लोज थे ऑल एलीट रेसलिंग को ज्वाइन करने के लिए, ये और बहुत कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो आप इस एंड तक देखते रहें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें। तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस न्यूज वीडियो में। कभी हम यहाँ पे टाइम ज्यादा वेस्ट करते नहीं है, सीधा बढ़ते हैं पहली स्टोरी में। और जबकि मैं आपको सुपरस्टार स्पेक्टेकल के कोई स्पॉइलर यहाँ पे नहीं देने वाला, आप शो का इंतजार कर सकते हैं। और कॉमेंट्स में जो भी करेगा मैं उसकी कॉमेंट डिलीट करे जा रहा हूँ, तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। लेकिन एक पॉइंट टू बी नोटेड ये है कि ड्रू मैकइंटायर शो के अंदर रेसल करने वाले हैं, और इसका मतलब ये है कि वो कोविड से जो भी उनका सीन है वो रिकवर हो चुका है, वो नॉर्मल वापस आ चुके हैं। और गोल्डबर्ग के साथ जो उनका मैच है उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और साथ ही साथ अगर आप इसको टीवी पे देखेंगे तो हम मुझे भी भाई रिंग साइड पे देख लेंगे थंडर डोम में सामने बैठे हुए। उस पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा आफ्टर सुपरस्टार स्पेक्टेकल की मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा थंडर डोम पे। बहुत सारे लोग इसके बारे में पूछ रहे हैं तो मैं करूंगा, क्योंकि वो बिना स्पॉयलर्स के मैं बात ही नहीं कर सकता, तो डेफिनेटली वो वीडियो आएगी। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस। तो NBC स्पोर्ट्स नेटवर्क, एक ऐसा नेटवर्क US में जहां पे काफी सारे स्पोर्ट्स शेयर होते हैं, वो 2021 यानी कि इस साल के एंड में खत्म होने वाला है। और कई सारे जो शोज आते हैं उस पे वो अब USA नेटवर्क पे शिफ्ट हो जाएंगे, यानी कि जिस नेटवर्क पे मंडे नाइट रॉ और NXT एयर होती है। और माना जा रहा है कि रॉ और NXT के टाइम स्लॉट्स को दिक्कत हो सकती है। और गाइस जिस टाइम पे NXT एयर होती है USA पे, उसी समय यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि NHL एयर होती है NBC स्पोर्ट्स नेटवर्क पे। और अब शायद NXT को अपनी नाइट चेंज करनी पड़ सकती है इस साल के एंड तक। और बिल्कुल इसी तरीके से मंडे नाइट रॉ का टाइम स्लॉट मैच होता है NASCAR के साथ, लेकिन ये माना जा रहा है कि USA नेटवर्क मंडे नाइट रॉ का टाइम नहीं चेंज करेगी। वो उनको फेवर करते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पैसे दे रखे हैं उन्होंने WWE को फॉर दैट कॉन्ट्रैक्ट, और उस प्राइम टाइम के अंदर ही वो रॉ को रखेंगे। तो NXT को शायद इस चीज़ से थोड़ी दिक्कत हो सकती है, और इस साल के एंड तक में भी NXT की जो नाइट है वो वेडनेसडे से किसी और पे शिफ्ट हो जाए। नेक्स्ट स्टोरी की हम बात करते हैं। तो जॉन मॉक्सली ने रिसेंटली अपने एक इंटरव्यू दी जहां पे उनसे पूछा गया कि उनका फेवरेट फिनिशर रेसलिंग में कौन सा है, और उन्होंने बोला कि उनका फेवरेट फिनिशर है RKO। और उसका रीजन इसलिए कि वो कहीं से भी एकदम से मारा जा सकता है, काफी इजीली एग्जीक्यूट करा जा सकता है, और जो पॉप है क्राउड की वो हमेशा मिलती है अगर उसको आउट ऑफ नोवेयर मारा जाए। तो इस वजह से मॉक्सली ने बोला है, काफी छोटी सी एक चीज थी लेकिन मैंने डेफिनेटली कहा गाइस आपके साथ शेयर करनी चाहिए। नेक्स्ट स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग गाइस, क्योंकि केनी ओमेगा ने रिसेंटली एक इंटरव्यू दी जहां पे वो बात कर रहे हैं कि कैसे वो चाहते हैं कि रेसलिंग फैंस रीयूनाइट हो जाएं। ये जो आप मैं स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं ये एग्जैक्टली उनके कमेंट्स हैं, आप पढ़ सकते हैं पॉज करके। लेकिन उन्होंने यहां पे बेसिकली ये बात बोली है कि रेसलिंग जो है एक वॉर नहीं है। ऐसा नहीं है कि WWE को जो सपोर्ट करते हैं वो AEW को सपोर्ट नहीं कर सकते। ऐसी चीज नहीं है कि अगर तुम एक को चीयर कर रहे हो तो तुम्हें दूसरे को बू ही करना है। वो कहते हैं कि अगर सारे फैंस एकजुट होकर एक साथ सिर्फ रेसलिंग को सपोर्ट करें तो जिसने भी आउट ऑफ बिजनेस जाना है वो तब भी चला जाएगा, और अगर हम उसे बू करेंगे वो तब भी चला जाएगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेसिकली यहाँ पे उनका पॉइंट है कि सारे फैंस अगर एक से हों और सभी के लिए इक्वल सपोर्ट भी दिखाएंगे तो वो ओवरऑल रेसलिंग के लिए एज ए इंडस्ट्री बेटर होगा। बाकी आप एग्जैक्ट कॉमेंट्स गाइज यहाँ पे पढ़ ही सकते हैं। अगली स्टोरी रोमन रेंस पे है गाइज, क्योंकि उन्होंने एक काफी डिटेल्ड इंटरव्यू दी है फॉक्स स्पोर्ट्स को, रायन सैटिन को, और यहाँ पे उन्होंने काफी सारे पॉइंट्स के बारे में बात करी है। और मेन चीजें मैं आपको यहाँ पे फटाफट बताता हूँ। तो सबसे पहले परफॉर्मेंस सेंटर के शोज पे उन्होंने बोला कि जब वो नहीं आ रहे थे, वो कहते हैं मैं देखता था घर से शोज, ज्यादा नहीं फॉलो कर रहा था, लेकिन दो शोज वर ट्रैश। ये एग्जैक्ट उनके वर्ड्स हैं, दो शोज वर ट्रैश। और वो इस वे में नहीं कह रहे कि वो बहुत घटिया है या फिर सुपरस्टार सही से काम नहीं कर रहे थे, वो कहते हैं कि लुक और फील में जो WWE का शो हो रहा है उससे काफी ज्यादा कम वो शोज उनको लग रहे थे। इसके अलावा उनसे पूछा गया रोमन रेंस वर्सेज रॉक के मैच के बारे में, जो कि इस साल की रेसलमेनिया के लिए रूमर करा जा रहा था। और रोमन ने कहा क्योंकि अब स्केड्यूल ऐसा है कि हम 2 साल बाद जाएंगे सीधा हॉलीवुड वाली रेसलमेनिया में, तो अगर रॉक वर्सेस रोमन का मैच होगा तो वो तभी हो सकता है। और वो कहते हैं डेफिनेटली ये एक ऐसा मैच है जो कि WWE में हो सकता है, और इसके दो रीजंस हैं। पहली बात ये, वो कहते हैं कि मैं अपनी प्राइम फिजिकल कंडीशन में हूँ इस टाइम पे, इससे बेटर मैंने आज तक कभी फील नहीं करा है, तो अगर मैं ऐसे ही अपने आप को कंटिन्यू रखता हूँ तो शायद मैं रेडी होऊंगा उस टाइम पे। और वो रॉक की यहाँ पे काफ़ी तारीफ करते हैं कि रॉक की जबकि एज काफ़ी हो चुकी है वो तब भी अपने आप को ऐसे फिट रखते हैं, हमेशा वर्कआउट करते रहते हैं,
और अगर वो अपने आप को फिट नहीं रखते और वो बिल्कुल ऐसे ही मजे में घूम रहे होते तो ये मैच वैसे ही पॉसिबल नहीं हो पाता। और यहाँ पे गाइज उन्होंने रॉक की भी काफ़ी प्रेज करी। इसके बाद वो कहते हैं कि हमेशा से ही मुझे एक हील बनना था WWE में, और जब द शील्ड का स्टेबल बनाया गया था तो उस समय पे गाइज पहले डिसाइड करा गया था कि सेथ रॉलिंस जो है वो द गुड गाय होगा शील्ड के अंदर और रोमन रेंस द बैड गाय होने वाला है। लेकिन वो कहते हैं चीज़ें वैसी प्लान आउट नहीं हो पाई और उसके बाद ऑब्वियसली जो हुआ हमने उनके करियर में देखा ही है। लेकिन वो ये बात भी कहते हैं कि मेरे करियर में या तो मेरे को बू हुई है या फिर चीयर हुई है, लेकिन जब भी मुझे रिएक्शन मिलता है वो बड़ा रिएक्शन मिलता है। और ऑब्वियसली अगर तुम्हारी इतनी पॉपुलैरिटी ना हो या फिर वो कहते हैं अगर तुम्हारे तरफ एक सर्टेन लेवल की नेगेटिविटी ना आ रही हो तो इसका मतलब ये है कि तुम जो कर रहे हो वो सही नहीं है, क्योंकि जब तुम कुछ चीज़ सही करते हो तभी तुम्हें लोग हेट करते हैं, बेसिकली वो कहना चाहते हैं। और फाइनली इसके अलावा उनसे उनके फिनिशर स्पीयर के बारे में पूछा गया था कि आज तक तुमने अपने हिसाब से बेस्ट स्पीयर किस पे लगाया है, और वो कहते हैं रूसेव के ऊपर समर स्लैम में जो वो रैंप से भाग के आए थे एक वो, और दूसरा सेम जब वो बिग शो पे भाग के आए थे रैंप पे और मंडे नाइट ड्रॉ पे गाइज उन्होंने उन्हें स्पीयर लगाया था। और साथ के साथ उनसे पूछा गया कि बेस्ट स्पीयर लेता कौन है या फिर उसको बेस्ट सेल कौन करता है, तो यहाँ पे गाइज रोमन रेंज ने एजे स्टाइल्स का नाम लिया। वो कहते हैं काफ़ी कमाल तरीके से वो उसको एग्जीक्यूट करते हैं और जिस तरीके से वो फ्लिप हो जाते हैं स्पीयर लगने के बाद, वो एक काफ़ी कूल चीज़ है जो रोमन को पसंद आती है। अब अगली स्टोरी की हम बात करते हैं गाइज, तो COVID-19 की वैक्सीन जो है वो वर्ल्ड में आनी शुरू हो गई है, US में भी आ गई है, लेकिन WWE जो है वो हेल्प नहीं कर रही अपने टैलेंट को या फिर उनको फोर्स नहीं कर रही है COVID-19 की वैक्सीन लेने के लिए। और इसकी वजह से कई सारे सुपरस्टार्स बहुत दुखी हैं कि उनको खुद जाके वैक्सीन लगवानी पड़ेगी, और कुछ खुश हैं कि उनको फोर्स नहीं करा जा रहा है इस वैक्सीन को लेने के लिए। और गाइज कई सारे पॉजिटिव केसेस जो है वो माना जा रहा है आ रहे हैं WWE में अभी भी, और जो उनकी प्रोटोकॉल है यानी कि जो तरीका वो फॉलो कर रहे हैं वो कई सारे लोगों को पसंद नहीं आ रहा। इनफैक्ट नाया जैक्स ने गाइज अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाली कि भाई कोविड वैक्सीन कितनी भी इफेक्टिव क्यों ना हो वो नहीं लेने वाली उसको, चाहे वो बिल्कुल प्रूव हो जाए। वो कहते हैं गॉड ने मेरी बॉडी को इम्यून बनाया है और मैं उसी में खुश हूँ, मैं कोई वैक्सीन नहीं लेने वाली। तो कुछ लोगों की ऐसी भी सोच है, कुछ चाहते हैं कि WWE हमें फ्री में वैक्सीन लगा के दे, तो काफ़ी सारे इसके ऊपर मिक्स्ड ओपिनियंस है। और शुरू से ही ऐसा चल रहा है कोविड की जो WWE की प्रोटोकॉल है इससे कुछ लोग खुश हैं और कुछ नहीं। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस, तो रॉयल रंबल मैच के लिए कई सारे नए पार्टिसिपेंट्स अनाउंस कर दिए गए हैं। अगर मेंस के मैच की हम बात करें तो शिंस के नाकामुरा, डॉल्फ ज़िगलर, बिग ई और सैमी ज़ेन, ये चार नाम ऑफिशियल हो चुके हैं और अब केवल 17 ओपन स्पॉट्स हैं इस रॉयल रंबल मैच में। विमेंस मैच की हम बात करें तो लिव मॉर्गन, रूबी रायट और टमीना स्नुका को ऑफिशियल कर दिया गया है और इसके अंदर गाइस सिर्फ अब 18 स्पॉट्स जो है वो खाली बचे हैं। तो धीरे धीरे जो है भरता चला जा रहा है और हम रॉयल रंबल से पहले थोड़ा आइडिया लगा पाएंगे कि आखिर कितने पॉसिबल सरप्राइजेस हमें उस मैच के अंदर देखने को मिल सकते हैं। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं तो एजे स्टाइल्स ने गाइस रिसेंटली अपनी एक इंटरव्यू दी जहां पे उनसे पूछा गया कि आखिर वो कितने क्लोज थे टू लीव WWE इन 2019 एंड गो टू ऑल इलीट रेसलिंग। और एजे ने सिंपली यहां पे बोला कि भाई देखो मैं बिल्कुल भी क्लोज नहीं था AEW में जाने के लिए, और वो कहते हैं देखो WWE इस समय मेरे लिए काफी फेवरेबल है, मैं काफी अच्छा यहां पे कर रहा हूं और मैं हमेशा ये देखता हूं कि एजे स्टाइल्स के लिए बेस्ट बिजनेस कहाँ पे है और अभी मैं WWE में बिल्कुल खुश हूँ। तो मैं सीधा सीधा बता दूँ कि AEW में जाने के मैं बिल्कुल भी क्लोज नहीं था, और ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ पे जाने के लिए रुक कराऊँ कि मैं इतनी देर बाद वहाँ पे चले जाऊँगा, और वो गाइस बिल्कुल अपने स्टेटस से इस समय WWE में खुश हैं और ये बात डेफिनेटली सुन के हमें काफ़ी अच्छा लगता है। और आज की फाइनल स्टोरी में गाइस हम बात करेंगे WrestleMania 37 के बारे में, क्योंकि कई सारी मेजर अपडेट्स निकल के आ रही हैं शो के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं कि एक 2-नाइट शो होने वाला है, तो ये माना जा रहा है कि WWE चार बड़े मैचेस प्लान कर रहे हैं यानी कि 2 for each night, और वो गाइस WWE अब देख रही है कि कौन से हो सकते हैं। इसी के साथ साथ माना जा रहा है बिल गोल्डबर्ग एज वेल एज जॉन सीना इस पे-पर-व्यू के लिए ऑलमोस्ट लॉक हैं, यानी कि इन दोनों ही सुपरस्टार्स का हमें कोई ना कोई मैच देखने को मिल सकता है। और दूसरी तरफ थोड़ी डिसअपॉइंटिंग न्यूज कि द रॉक का रिटर्न होना अनलाइकली है, उसके चांसेस काफी कम है कि वो हमें WrestleMania 37 में दिखाई दें। लेकिन गाइस ये भी माना जा रहा है कि जो अंडरटेकर का स्टेटस है उस पर अभी डिसीजन नहीं लिया गया है। बहुत से लोग बैक स्टेज ये भी सोच रहे हैं कि अंडरटेकर इज डन फॉर गुड, लेकिन अगर विंस मैकमैन अंडरटेकर को कन्विंस कर सकते हैं जैसा कि आप इस ट्वीट में पढ़ रहे हैं, तो अंडरटेकर क्या पता एक बार फिर से वापस आ जाएं और वो एक मैच लड़ सकते हैं WrestleMania 37 में। तो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा, जॉन सीना का रिटर्न ऑलमोस्ट लाइकली लगता है, रॉक का अनलाइकली, लेकिन गोल्डबर्ग का और अंडरटेकर का मैच भी होने की पॉसिबिलिटी है गाइस। और इसके साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं कि कौन से अब चार बड़े मैचेस हैं जो कि आप इस शो पे देखना चाहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।